हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। यार आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि फील कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि जो फील कमांड है उसे हम यूज़ कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता होता है कमांड कैसे लगाई जाती है, लेकिन ये लगाना नहीं आता या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनके फ़ोन में। तो मैं इसी के चलते आज बात करने वाला हूँ कि इस कमांड को आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं और मनचाही चीज़ों को बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी इस कमांड की ओर। सबसे पहले आपको बीच की एक खोल लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर आपने अभी तक इसमें चीट का जो सेक्शन है वो ऑन नहीं किया है, चीट ऑन नहीं किया, तो ये फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले चीट ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने तो चीट से अच्छा है क्रिएटिव मोड ही ऑन कर लिया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है स्लेश एंड इसके बाद लिखना है फील, ओके FILL फील। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखना है, जो पोजिशन लिखी आती है। तो जो मेरी पोजिशन है इसमें है, चेक करनी पड़ेगी, 214, 63 एंड 51। तो या इसको हम पहले एक जगह लिख लेते हैं, 214, 63 एंड 51। सो इसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा आगे का जो भी है। तो फिर हम वापस से चैट खोलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्लैश एंड फील, फिर यहाँ पर लिखना है 214, 63 जो भी कोऑर्डिनेट्स है, 214 space 63 space फिर 51। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोमा नहीं लगाना है बीच में। एंड जहाँ तक के ब्लॉक्स को आपको मतलब भरना है, वहाँ के भी आपको कोऑर्डिनेट्स एक और बार लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने 215 लिख देता हूँ मैं, इतना काफ़ी रहेगा भाई बताने के लिए। और फिर 64 लिख देता हूँ मैं, डबल लेयर ठीक रहेगी बीच की। एंड इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं 59, यस। और उसके बाद ऊपर बहुत सारे नाम आ गए होंगे, एमेथिस्ट ब्लॉक करके, एमेथिस्ट क्लस्टर, लेकिन मैं यहाँ सिंपल यहाँ पे स्टोन लगा के दिखा देता हूँ आप सबको। सो यर स्टोन डन। तो मैं बंद हो चुका हूँ इसके अंदर ही, तो बाहर निकल गया हूँ। सो गाइस देखो, डबल लेयर जितना मैंने लिखा था उसी हिसाब से यहाँ पे बन चुका है। और जिससे आपको अगर घर पर बनाना हो या और भी सारी चीज़ें जो होती हैं उसके लिए भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले उधर एक चैट खोल लेना है, और जो कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं इसके बीच में आपको मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक ये करनी है वहाँ पे आपको खड़ा होकर देख लेना है कि उसके एकदम कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यार मुझे ना यहाँ से लेके यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ के है 200, 63 एंड 61। सो इसको ओपन कर लेंगे पहले ऊपर, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। मैं तिरछे में जाता हूँ क्योंकि मुझे पूरा स्क्वायर टाइप बनाना है। तो यहाँ पे हो गया है 215, 72 एंड 71। तो वापस अपनी चैट खोल लेंगे, और इसमें जैसे मैंने आपकी मेथड बताई, मैंने आपको मतलब कि फील लिखना है सीधे स्लैश लगाने के बाद, इसमें स्पेस नहीं छोड़नी है। तो फील के बाद यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो हमने अपने सेव किए हुए हैं, 263 इसे छोड़ के, उसके बाद 61 ओके एंड 215, 72, 71। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार प्लैंक्स लगा लूँ, जलाने में आसानी होगी, हटाना ही पड़ता है ना ब्रो। वैसे हटाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा किसके बीच में अगर ये भर जाएगा तो उसमें हटाता कैसे हैं। सो प्लैंक्स लिख दिया, उसके बाद आपको इसमें इंप्लीमेंट कर देना। और ये देखो पूरा भर गया है, पूरा स्क्वायर आ गया, अचानक प्रकट हो गया इतना बड़ा सा, कितना मतलब कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छा तो क्या ही एकदम, अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी हो कम टाइम में तो ये बहुत आपके काम आएगा। सो इसके अंदर चलते हैं अपन, तो अपन एक काम करते हैं इसके अंदर जाते हैं एक इधर से और एक और यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ के कोऑर्डिनेट 214, 63, 70। और यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इस कोने के अंदर, इस कोने के अंदर के हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लेंगे। इसके हैं 201, 71, 62। सो या वापस से बाहर आ जाएंगे। एंड इसके बाद जो करना था मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक अलग चीज़ लिखनी है। तो स्लैश डाल के फील लिखेंगे सबसे पहले, और कोऑर्डिनेट्स फील करेंगे जो कि है 214 space 63 space 70 70 ओके एंड फिर 201 एंड 71 और 62। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है एयर, क्योंकि हवा भी तो भरी जा सकती है ना किसी चीज़ के अंदर। तो हमने एयर लिख दिया और पूरा खोखला हो चुका है अंदर से, ये देखो पूरा रूम बन गया है क्योंकि इसको अपन ने एयर भर दी है।
इसके अंदर आप वॉटर, लावा, जो मन चाहे वो भर सकते हो। बस वहाँ पे एयर की जगह आपको उसका नाम लिख देना है। और अगर यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है स्टेयर्स वगैरह, तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आपको बस वहाँ पे उस ब्लॉक का नाम लिखना है और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट्स जो आपने डालने हैं वो आपके हिसाब से भी होंगे। और अगर आपको इसमें कुछ एडिंग करना है, मतलब कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, अलग अलग फ्लोर्स हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स 73 बीच वाला, तो जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रख के अब हो गए हैं 82 कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो सेम है प्रोसेस, जो राइट साइड की जो पोजीशन है वो हम सेम डालेंगे, और लेकिन जो बीच का है ना उसको चेंज कर देंगे उसके हिसाब से, जहाँ पे आपको जितने भी हाइट पे वो आपका एक फ्लोर चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।